हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। प्रिमिटिव फिशिंग बाकी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं हमेशा की तरह आप लोगों के साथ। तो आज जो चीज़ को लेकर बात करेंगे भैया, हर रोज़ 5 से 10 कॉमेट आते हैं हमारे यहां पर, ज़्यादातर इंडिया और पाकिस्तान से, मतलब इंडिया का यूपी बिहार ये सब इलाका और पाकिस्तान से बहुत सारे हमें रिक्वेस्ट क्वेश्चन और मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर, ईमो पर, कि भैया ये जो टेंगरा मछली है, हाँ जी ये जो टेंगरा मछली है इसका कोई चारा बता दो। चराई कोई भी फेंकते हैं नदी में तो टेंगरा आ जाता है, पर ये हमारा चारा या हुक बेट खा के चला जाता है। तो ऐसा कोई तकनीक बताओ कि भैया ये हम हुक में डालें और मछली आसानी से खा जाए। तो टेंगरा मछली के लिए कौन सी आसान चारा है जो हुक में डालोगे आप और मछली आसानी से पकड़ सकोगे, इसके लिए इसको लेकर हम आज बात करेंगे। तो भैया चलो पहले हम इंट्रो देख लेते हैं। मछली पकड़ने का नए नए तकनीक, तरकीब और जानकारी के लिए हमारे चैनल यूट्यूब में अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल बटन दबाएं। इंट्रो खत्म हो चुका है, अब मुद्दे की बात पर चले आते हैं भैया। पहली बात यह है कि इसके लिए हम बता रहे हैं आपको कि ये जो चारा हम बताएंगे, जो हुक बेट बताएंगे, वो है 100 ग्राम के लिए। 100 ग्राम हुक बेट आप बनाओगे उसमें कितना कौन सा चीज़ जाएगा वो हम पहले आप लोगों को बता देते हैं। पहली बात, आप लोगों को चाहिए इसके लिए छोटी मछली। हाँ भैया हम ठीक बता रहे हैं, छोटी मछली, कोई भी छोटी मछली जो इतना सा 1.5 इंच साइज़ का हो, ऐसा कोई भी छोटी मछली। तालाब में, नदी में, लहरें में, बहुत सारे जगह पर छोटे छोटे मछलियाँ मिलते हैं जो बंदे फेंक देते हैं, कोई खाता है कोई खाता नहीं है। ऐसे छोटे मछली आपको चाहिए होगा 100 ग्राम कच्ची कच्ची छोटी मछली रॉ। इसको आपको कुछ नहीं करना है, फ्राई नहीं करना है, पकाना नहीं है, हल्दी मिर्च कुछ नहीं डालना है भैया। पहले ये आप ले लो, इसको आप पेस्ट बना लो, पेस्ट। हाँ भैया, एकदम ब्लेंडर में डालकर या मॉर्टर पेस्टल कुछ भी हो आप इसको पेस्ट बना लो। इसका ऊपर का जो स्किन है, जो आंत्र है अंदर, सब कुछ एक साथ लेकर मच्छी ले लो, मरा हुआ मछली 1.5 इंच साइज़ का, इसको 100 ग्राम मछली आप ले लो, इसको आप पेस्ट बना लो। थोड़ा बहुत अगर आपको पानी इसमें डालना है तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालो, पर इसको आप एकदम फाइन पेस्ट बना लो। ये देखो भैया, यहाँ पर मेरे पास 100 ग्राम ऐसा पेस्ट है, मछली का पेस्ट। ये पेस्ट जब आपके पास हो जाए उसके बाद आपको जो चाहिए वो है एकांगी। हाँ ये भैया एक मसाला है, हम हर बार बताते हैं एकांगी एकांगी। इसको हिंदी में हम तो बताते हैं एकांगी, संस्कृत में भी एकांगी कहते हैं, हिंदी में भी एकांगी कहते हैं, पर जो पाकिस्तान और इंडिया से है हर जगह पर तो नाम एक नहीं होता, तो इसका नाम हम बता देते हैं। बनिया की दुकान पर आपको मिल जाएगा जहाँ पर मसाले बेचते हैं, ये चराई का मसाला। आप इंडिया में अगर ढूंढ रहे हो तो इसको चंद्रमूला या चंद्रमूरी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सैंड जिंजर। और जो पाकिस्तान से है उनके लिए बता देते हैं, इसको कहते हैं कपूर कचरी। हाँ जी ये जो एकांगी है ये कपूर कचरी है। इसको लेना है आधा चाय चम्मच, मतलब इसको आप थोड़ा सा बिना तेल के कढ़ाई में फ्राई कर लो धीमी आँच पर 5 से 7 मिनट, ये ठंड हो जाए, इसको ब्लेंड करके पाउडर बना लो। आधा चाय चम्मच, एक चाय चम्मच का आधा, उससे भी कम हो तो अच्छा है, मतलब 100 ग्राम के लिए 3 उंगली में एक चुटकी लेने के बाद जितना होता है उतना आप डाल दो। फिर ये पेस्ट के साथ धीरे धीरे आप मिक्स कर लो। मिक्स जब हो जाए ये सब, तब आपको जो करना है, तब आपको लेना है एक पेड़ का पत्ता। हाँ एक लता, एक एक पेड़ का पत्ता आपको लेना है, जो मेरे सामने अब रखा हुआ है। ये जो पेड़ है ये एक्चुअली पेड़ नहीं, ये एक पौधा है, ये पौधे का एक पार्ट है। मेरे घर पे बहुत ज़्यादा है ये, क्योंकि हम तो मछली पकड़ते हैं, हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये जो पौधा है इसका नाम तो हम बताएंगे, पहले एक खास चीज़ बता देते हैं। इसका जो पत्ता है, पत्ता अगर आप थोड़ा सा हाथ में घिस लोगे तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बदबू आता है इसमें से। हम ऐसे बता देते हैं कि कोई हमारे भाषा में इसको पदड़ी पत्ता कहते हैं, पात जैसा इसमें गंध आता है, इसलिए इसको पदड़ी पत्ता या गंधो भजाली कहते हैं, मतलब इसमें से बहुत बदबू या गंध आता है, गंदी पत्ता ऐसा कुछ नाम है। पर अगर आप लोग इंडिया या पाकिस्तान में से हो तो इसका हर नाम हम बता देते हैं, मराठी गुजराती तमिल असामीज जो भी नाम हो वो सब हम बता दें आपको।
इसका नाम संस्कृत में है गंध प्रसारणी, हाँ जी, हिंदी में है गंध प्रसारणी या प्रसारण, तेलुगु नाम है तक्केड़ा या सेवरिल, बंगला तो हम बता चुके हैं आपको, मराठी नाम है हिरन वेल, गुजराती नाम है गंधना, तमिल नाम है पिनंसिरंगाई, थोड़ा सा जल्दी बता दिए, इसका तमिल नाम है पिनारी संगाई, पिनारी संगाई है ये तमिल नाम, असम में नाम है इसका भेदाई लोता या पदुड़ी लोता, दूसरा भी नाम है दाउन कितनुत है, कसेम्बुकन है, कौतानाई है, और ये जो पत्ता है पहले ही बता दिए ये मेस्ता या मस्तूल ऐसा कुछ पत्ता नहीं है, ये गंध भेजाली या जो गंध प्रसारणी है वही पत्ता है, ये मिल जाएगा आपको आसानी से, इसका कच्चा पत्ता आपको चाहिए, इसको 100 ग्राम के लिए आप सिर्फ दो ही पत्ता लेना, दो ही पत्ता लेकर पत्ते को अलग से आप पेस्ट बना लो, एकदम पूरी अच्छी तरह से पेस्ट बना लो, इसमें थोड़ा पानी चाहिए तो थोड़ा ही एक दो बूंद करके पानी डालो, फिर इसको पेस्ट बना लो, ये जो मछली का पेस्ट था उसमें एकांगी का पाउडर भी जाएगा और ये जो पत्ते का पेस्ट है वो भी जाएगा, दो पत्ते का पेस्ट 100 ग्राम मछली के साथ, अच्छी तरह से आप इसको मिला लो, जब मिलाना ख़त्म हो जाए भैया स्ट्रेट अवे रेडी है, यही आपका चारा है। अब क्वेश्चन ये है, आप लोगों पूछोगे ये पानी में फेंके कैसे, भैया पानी में फेंकना बहुत ही आसान है, आपको जो करना है वो ये है कि पहले तो आपको हुक लेना पड़ेगा, हमेशा छोटी हुक लेना, 7 या 8 या 4 ऐसा एकदम छोटी हुक लेना, हम यहाँ पर दो हुक लिए, हम नॉर्मली एक हुक लेना आप सिंगल हुक, उसमें आपको कपास सबसे आसान होता है, अगर कपास हो आपके पास जो कॉटन है उसको इसके चार पास डालकर आसपास डालकर एक धागे से इसको आप बांध दो, ताकि ये जो हुक है ये जो कपास के उसके अंदर छुपा रहे, अगर कपास नहीं मिला तो ऐसा एक कपड़ा ले लो, देखो भैया ये बैंडेज करने का कपड़ा है, हम यही ले रहे हैं क्योंकि ये हमें लगता है ये आसान है, क्योंकि इसको आसानी से हम डाल सकते हैं, हम थोड़ा सा ऐसे ले लिए काट लेते हैं, क्योंकि ये कपड़ा भी है धागा भी है सब कुछ है, अच्छा जी एक कॉर्नर में हम ये धागा जैसे रख दिए, अब इसको ऐसे ले लेते हैं, लेने के बाद और इसे कर लेते हैं, इसमें अब हम ये जो हुक है ये डाल देंगे, इसके बीच में से हम हुक धीरे धीरे डाल देते हैं, ध्यान रहे जब कपास या ऐसे कपड़े डालोगे तो हाथ में लग ना जाए, ये जो भैया साइड में धागा था इसको हम अब ऐसे एक गांठ बनाएंगे अंदर से लेकर, ये हुआ हमारा गांठ, और कपास या ऐसे छोटा कपड़ा जो है नरम वाला वो देखो इसमें लग गया। अब परेशानी की बात हो सकती है कि आप लोग सोचोगे ये पानी में डालेंगे तो ये छूट जाएगा, भैया छूटेगा नहीं, अब अगर इसमें आप डालोगे कपास फिर अच्छी तरह से धागा से ये गोड़ में आपको इसको बांधना पड़ेगा, पर हुक थोड़ा सा बाहर रहे। अब बात यह है कि आप पानी में इसको फेंकोगे, इससे पानी में फेंकने के लिए ये जो चारा है मतलब हुक बेक्ड एक छोटा सा प्लास्टिक का चमचा या कुछ भी आप ले लो, फिर लेकर हर बार जब भी आप इसको उठाओगे ऊपर, ये जो मछली का पेस्ट है जिसमें आप ऑलरेडी ये गंधाल पत्ता और एकांगी डाल चुके हैं मिक्स कर चुके हो, उसमें ऐसे 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 आप डालो, थोड़ा सा भिगो और पानी में आप फेंको और खेलो, एक सेकंड में एक मछली आएगा गारंटी, जब भी ये ले लेगा आप ऊपर खींचो, ऊपर आपको बॉबर लगेगा, बॉबर से मतलब फ्लोट जो है उससे 1-2 इंच नीचे रखोगे तो ठीक है, ये टेंगरा जो मछली है ये एक तरीके का कैटफिश होते हैं, और फेंकोगे ये फेंकोगे तो भैया स्ट्रेट अवे चलाएगा, तो ये जो गंधाल पत्ते से और कच्ची मछली का जो चारा है दुनिया में जितने सारे मीठे पानी हैं जितने देश हैं हर जगह पर ये काम करता है,
ये फेल नहीं होता भैया, ये गारंटी चीज़ है। इसीलिए बहुत सारे बंदे ने हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारा एक बंगला वीडियो है ऐसा, इसीलिए हम बना दिए कि भैया आप लोगों को चाहिए तो हम बनाएंगे क्यों नहीं। तो हम दिखा दिए आपको ये जो गंधाल है उसके पत्ते से और कच्ची मच्छी से कैसे आप बनाओगे ये छोटे छोटे जो टेंगरा मछली है उसका चारा। तो हो गया भैया, बन गया हमारा चारा। ये पेड़ तो नहीं, ये पौधा है, ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत जगह पर मिलता है कि उसकी, क्योंकि ये एक औषधीय चीज़ है, एक जड़ी बूटी वाला चीज़ है। इसका आप कच्चा पत्ता बहुत सारे सब्जी के साथ मिलाकर पकौड़ा भी बनाया जाता है और कहा जाता है अगर आपको सर्दी ज़ुकाम या तबीयत ख़राब हो आपका सर्दी ज़ुकाम पर टाइम पे इसका जो पकौड़ा है वो खाओ तो 24 घंटे में अपना आपका सेहत ठीक हो जाता है। हाँ, ये एक औषधीय चीज़ है, ये हम विश्वास करते हैं क्योंकि हमें पता है हमारे घर पे भी है, हमारे घर पे इस्तेमाल भी होता है। वैसे भी बहुत सारे एग्जॉटिक जो मछली पकड़ने के लिए पेड़ पौधे होते हैं हमारे घर पे हैं, हम इसका कलेक्शन कर चुके हैं। तो आप लोग खेलो, रिजल्ट्स दो। अगर छोटे मछली पकड़ने हो तो भैया आटा मैदा फीड ये सब भूल जाओ, ये यूज़ करो, 100% रिजल्ट मिलेगा। मज़े की बात है, कोई कैटफिश या परीना बुआल जो भी है बहुत सारे मछली इसको खाते हैं। ये जो छोटे बेट है मछली का, ये बहुत सारे मछली खाते हैं, तालाब में, नदी में, जहाँ पर लहरें हो, डैम में। ये तो भैया एक नंबर का चारा है अगर आपको फ्लोटिंग खेलना है तो। तो यही था आज का आयोजन। हम सिर्फ आप लोगों के लिए जो इंडिया और पाकिस्तान से, सिर्फ उनके लिए हम ऐसे वीडियो बनाते हैं, किसी और के लिए नहीं भैया। और इसीलिए हमारे चैनल पर बहुत सारे सब्सक्राइबर हो चुका है, तकरीबन 1,00,000 पहुंच चुके हैं। हम बताते हैं भैया कि आप लोग हमारे साथ रहो, सिर्फ आप लोगों के लिए सिर्फ हम ही हैं जो ओरिजिनल रेसिपी दुनिया के कहीं पर भी, कहीं पर ही हो, ये कभी भी हो, जब भी हो, हम लेकर आएंगे ही, क्योंकि हमारे पास है और हमारे साथ पास बहुत सारे रेसिपी है। हम धीरे धीरे बताते हैं, तकरीबन 600 से ज़्यादा हमारे यहाँ पर वीडियो हैं, फिर भी हम डालते ही रहते हैं नए नए वीडियो। तो यही था आज का आयोजन। जो नए हैं हमारे चैनल पर वो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर ले, ताकि हम जब भी ऑनलाइन आए, कोई वीडियो डाले या लाइव आए, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। जो एग्जिस्टिंग व्यूअर्स है भैया, लाइक डाल दो, ये टेंगरा का हिंदी में पहला वीडियो है यूट्यूब में, पूरा दुनिया भर में, और सिर्फ हम ही लाए हैं। जिसको अच्छा नहीं लगा, आप लोगों को शायद शॉर्टकट पसंद हो, कहीं और चले जाए भैया, हम शॉर्टकट वीडियो बना नहीं सकते। हमारा सब्सक्राइबर हर रोज़ रिक्वेस्ट करता है कि भैया डिटेल्स वीडियो बनाओ, इसलिए हम 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, या लगे तो एक घंटा हो, हम बड़ा वीडियो बनाएंगे। जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए इतना इन्फॉर्मेशन डालेंगे, ऐसा वीडियो बनाएंगे। तो यही था आयोजन आज के लिए। कोरोना वायरस से सब वाकिफ है आप लोग, इसीलिए इससे स्पेशली दूर रहे, घर रहे, सेल्फ क्वारंटाइन में रहे। मछली पकड़ने के जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हर घंटे में एक बार एटलीस्ट साबुन से हाथ धोए, नाक मुंह, आँख या कान पे उंगली या हाथ मत डाले, हमेशा सैनिटाइज्ड होकर रहे। तो यही था आज का आयोजन, अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।